था इसका, ठीक है। इसका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, सीड का सीड फर्टिलाइज होगा और सीड बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, देन मिल्किंग स्टेज आएगा। इसके बाद क्या होगा, सुनो ध्यान से, अभी तो पूरा हुआ नहीं। इसके बाद आएगा तुम्हारा मिल्किंग स्टेज, ठीक है। मिल्किंग स्टेज के बाद क्या आएगा, फिर डफ स्टेज आएगा, यानी कि सीड क्या होगा, हार्डनिंग होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा मैच्योरिटी स्टेज, यानी कि राइपनिंग स्टेज आ जाएगा। राइपनिंग होने के बाद अब हम एक चीज़ को और अच्छे से गहराई समझने की कोशिश करते हैं। एक और पौधा है किसी फोटोसिंथेटिस इकट्ठे हुए थे नीचे वाले पार्ट में, जब ये यहाँ पे स्पाइक नहीं आई थी तब भी हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा था, एक्युमुलेट हो रहा था, लेकिन यूज कहाँ हो रहा था, रिस्पिरेशन में यूज हो रहा था कुछ, लेकिन हमारा नेट फोटोसिंथेसिस यहाँ पे इकट्ठा हो रहा था बायोमास में। जैसे ही यहाँ पे हम क्या हुआ, स्पाइक डेवलप हुए, स्पाइक डेवलप हुआ तब भी हमारा फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है अभी, फिर भी मतलब एक्युमुलेट हो रहा है, अभी यूज नहीं हो रहा कहीं पे ज़्यादा, सिर्फ कहाँ पे यूज हो रहा है, रिस्पिरेशन में यूज हो रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, अब जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और इसमें क्या बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सीड, यानी मिल्किंग स्टेज आएगी, डफ स्टेज आएगी, मैच्योरिटी स्टेज आएगी। उसी दौरान क्या होगा, पार्टिशनिंग होगी, क्या होगी, पार्टिशनिंग। पार्टिशनिंग मतलब ये होता है कि जो फोटोसिंथेसिस है, यानी जो फोटोसिंथेसिस हमें यहाँ पे कलेक्ट हुआ है स्टेम पार्ट में या लीफ में कलेक्ट हुआ है या बॉडी मास में कलेक्ट हुआ है पौधे के, वही जो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के रूप में वही फोटोसिंथेसिस ट्रांसफर होगा, यानी ट्रांसलोकेट होगा फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट से फ्रॉम द टू द रिप्रोडक्टिव पोर्शन ऑफ द पार्ट, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव पोर्शन ऑफ द व्हीट, ओके। तो रिप्रोडक्टिव पोर्शन क्या हो गया, स्पाइक हो गया, यानी स्पाइक से जाते हुए स्पाइकलेट्स यानी कि सीड में जाके एक्युमुलेट हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पार्टिशनिंग बोलते हैं। बात क्लियर रहेगी, यस सर। यानी कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस जो वेजिटेटिव पार्ट में इकट्ठा हुआ था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब हमारी सीड बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, उस सीड बनने की प्रक्रिया के दौरान जो फोटोसिंथेसिस इकट्ठा हुआ था वेजिटेटिव पार्ट में, वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे, ट्रांसलोकेट होगा कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव पोर्शन में, यानी कि सीड की ओर होगा, जिसको कहते हैं सिंक कहते हैं, ठीक है, सिंक की ओर इकट्ठा होगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्टिशनिंग। यहाँ तक बात क्लियर है, तो पार्टिशनिंग दौरान रुक जाओ एक मिनट से, वो ट्रांसफर होगा वेजिटेटिव पार्ट से कहाँ की ओर, रिप्रोडक्टिव यानी कि सीड पार्ट की ओर। देन क्या होगा, मैच्योरिटी होगी। मैच्योरिटी में हम देखते हैं कि कितना मॉइस्चर है उसमें सीड के अंदर, और लगभग हमारे सीड में 20-22% मॉइस्चर होता है, 20-25% मॉइस्चर होता है सीड में। तो सीड वो हमारी स्टेज कहला जाती है हार्वेस्टिंग स्टेज। उसी दौरान हम पौधे को हार्वेस्ट कर लेते हैं, व्हीट को हार्वेस्ट करने के बाद थ्रेसिंग करते हैं, विनोइंग करते हैं, देन इसको 12-14% जब मॉइस्चर होता है सीड में, उस दौरान हम इसको क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं, और इसको फादर हम यूज करते हैं फॉर द कंजूशन ऑफ द कंजूशन, ठीक है, कंज्यूम करते हैं उसको फिर हम एज ए फूड, एज ए बेकरी, ठीक है, बेकरी मटेरियल्स के लिए, एज ए रॉ मटेरियल ऑफ द इंडस्ट्री। तो बात क्लियर हो गई यहाँ तक, आप चलो बताओ आ रहे हैं कि एक्युमुलेशन होता है, एक तो एक्युमुलेशन का रीजन क्या होता है, और जब तक आप बता रहे हैं कि ये सारा कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन में यूज होता है कि कोई और पार्ट में भी इसका यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, रेस्पिरेशन में यहाँ पे यूज होगा। मैक्सिमम करता हमारा CO2 को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, एटमोसफेयर में रिलीज करता है CO2। पौधा 24 आवर क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस कब करता है, जब तुम्हारा किससे एक्सपोज होता है, सोलर रेडिएशन के दौरान फोटोसिंथेसिस जब होता है, तब उस दौरान क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन को रिलीज करते हमारे काम किए। तो पहली बात तो समझो कि रिस्पिरेशन एक बेस्टफुल प्रोसेस है, लेकिन आवश्यक प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिस्पिरेशन के दौरान ही जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो कन्वर्ट यूज होता है पौधे के, पौधा यूज करता है उसको, ठीक है। तो रिस्पिरेशन में मेनली हमारा फोटोसिंथेसिस जो होता है कंज्यूम होता है, बाकी और दूसरा कोई ऐसा हल्का फुल्की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती वहाँ पर हो सकता है, लेकिन वेरी मीन्स निग्लिजिबल अमाउंट में होता है, बहुत कम अमाउंट होता है, जो कि हम उसको क्वांटिटी नहीं मतलब काउंट करने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन जो मेनली होता है रिस्पिरेशन लॉस होता है, और जो इसके बाद बचता है आफ्टर रिस्पिरेशन वो नेट फोटोसिंथेसिस कहलाता है, या नेट फोटोसिंथेसिस कहलाएगा, ठीक है। इतना ही है, जिगजैग डायरेक्शन में देखो, है ना, जिगजैग डायरेक्शन में, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्लोरेट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे करके। बात क्लियर है, और स्पाइकलेट के अंदर फ्लोरेट होता है, इसमें लगभग 1-5 फ्लोरेट वेरी करते हैं, और एक फ्लोरेट के अंदर क्या होता है, लेमा होगा, पेलिया होगा, इसके बाद ऑन होगा, ये आउटर वाला पार्ट हो गया, लेकिन इनर पार्ट में क्या होगा, इंडोस्पर्म होंगे, ठीक है, एंथर होगा, और क्या होते हैं, स्टिग्मा होगा, पोलन होगा, ये सारी चीज़ होती है, ठीक है, स्टेमन होता है, फिलहाल किसी को कोई फंक्शन खास नहीं होता, ये आइडेंटिफिकेशन करने का काम आ सकता है कि हमारा व्हीट कौन सा है और व्हीट का क्रॉप कौन सा है या बार्ले कौन सा है। इसको एक बार आप लोग एक काम करना, लिस्ट बना लेना, ठीक है, व्हीट, बार्ले और ये सब, ठीक है,